मॉम, मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ। मैंने एक बच्ची है, उसका नाम इरमा है, उसको ट्यूशन पे रखा है। आप प्लीज़ उसे लाउंज में बिठा लीजिएगा। ओके बेटा, कितने बजे तक आएगी वो? मैंने उसे 6 बजे तक का कहा था। देखिए वो कब तक आती है, टाइम पर आ गई तो आप अंदर बिठा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक यही घर है उनका। जी बेटा, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरा नाम इरमा है और मैं ट्यूशन पढ़ने आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे आयमा ने तुम्हारे बारे में बताया था। आओ अंदर आओ। आओ बेटा बैठो यहाँ पर, अभी आयमा आती ही होगी। ओके आंटी। ओ तो तुम आई हुई हो। ओ तो टीचर क्या नहीं आ रहा था मुझे? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ओ तो ठीक है, फिर पढ़ाई शुरू करें। पहली बच्ची देखिए जो पढ़ाई के लिए कह रही है। ओके जनाब, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में वीक हो? वो मैं मैथ में सबसे ज्यादा वीक हूँ। ओ आई सी, मैथ्स में। ओ गॉड। एनी प्रॉब्लम टीचर? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड टीचर। इरमा एक्चुअली बात ये है कि मेरा जो भाई है ना आदि, उसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उससे तुम मैथ्स पढ़ लेना, मैं तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा देती हूँ। ओके टीचर, मेरी स्कूल टीचर ने मुझे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल दिए हैं, आप मुझे वो करवा दीजिए। ओके लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बायोलॉजी का पानी किसे कहा जाता है? आई डोंट नो टीचर। अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा कीमती धातु कौन सी होती है? एक्चुअली टीचर ये धातु क्या होती है? धातु इंग्लिश में मेटल को कहते हैं, जो कि प्लैटिनियम है सबसे ज्यादा कीमती धातु। अच्छा ये बताओ कि स्पेस पे जाने वाले पहले शख्स का नाम क्या था? आई थिंक नील आर्मस्ट्रांग। अरे बाबा, वो तो चांद पर जाने वाला पहला शख्स था, मैंने स्पेस पे जाने वाले पहले शख्स का नाम पूछा है। टीचर चांद भी तो स्पेस में ही है। उफ, यूरी गैगरिन था खला पे जाने वाला पहला शख्स। अच्छा जरा ये बताओ कि पाकिस्तान के 4 सहरा कौन कौन से हैं? टीचर पाकिस्तान में 4 सहरा है, मैंने तो सिर्फ एक का नाम सुना है, सहराए थर। शुक्र है तुम्हें ये तो पता है कि पाकिस्तान में सहरा भी है। पाकिस्तान में सहराए थर के अलावा और भी 3 सहरा है, जिनमें सहराए थल, सहराए चोलिस्तान और सहराए खारान शामिल हैं। वाओ, 4 सहरा, जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि किस मुल्क में रेलवे निजाम नहीं है? आई थिंक एंटार्क्टिका, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ होती है। बर्फ एंटार्क्टिका में नहीं, तुम्हारे दिमाग में जमी हुई है। अफगानिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर रेलवे निजाम नहीं है। ओके लास्ट क्वेश्चन, इंसानी दिल के कितने खाने होते हैं? टीचर इंसानी दिल के खाने भी होते हैं? हाँ भाई, जो वॉल्स कहलाते हैं और उनकी तादाद 4 है। चलो अब तुम ऐसा करो कि इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ओके गाइस, इरमा अपना होमवर्क कर रही है और मैं भी थोड़ा सा जब तक रेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग भी रेस्ट कीजिए, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video and please subscribe to my channel and press the bell icon. Allah Hafiz.